Assalamu alaikum, I am Mukhtar Ahmed with the virtual university course Human Resource Management that is MGT 501. And today we are here with our lecture number 17. The lecture number 16 and 17 were dedicated for our recruitment activities, the HR part of recruitment. और लेक्चर नंबर 16 में और 17 में ये दोनों में हमने रिक्रूटमेंट आस्पेक्ट को डिस्कस करना था बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 17, लेट्स गो बैक एंड टच द फ्यू थिंग्स विच वी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 16, विच वर बेसिकली द रिक्रूटमेंट पार्ट द स्टार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड बिफोर रिक्रूटमेंट वी डिस्कस विद यू द कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस दैट इज अब थ्री स्टेजेस वो थे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और सोशलाइजेशन इफ यू रिकॉल इन इलेक्ट्री 16, वो मेनली फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेप द फर्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट और आज भी उसी का रिमेनिंग पार्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे रिक्रूटमेंट क्या था दैट वॉज द डिवेलपिंग दूल ऑफ द कैंडिडेट अट्रेक्टिंग द पीपल द पोटेंशियल कैंडिडेट और सिलेक्शन क्या था इट वॉज

कुछ कंस्टेंट को भी डिस्कस किया कि क्या कंस्टेंट होती हैं रिक्रूटिंग उसमें इमेज ऑफ दी ऑर्ग्नाइशन वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव दैट इज ऑल्सो योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनको ने डिस्कस किया और कुछ रिक्रूटिंग फिलॉसफीज को हमने टच किया था जस्ट टू मेक यू लर्न मोर एंड मोर अबाउट शुड बी क्लियर इन याइंड इज रिक्रूटमेंट बेसिकली एंड एट द एंड नेक्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर नंबर सेवनटीन में भी आज हम थोड़ा सा रिक्रूटमेंट को री टच करेंगे और फिर उसका जो इंपॉर्टेंट एक पार्ट रह गया था दैट वॉज दोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट उसको आज डिस्कस करेंगे तो लेट स्टार्ट अब टू देशन आई होप के आपने आज के इस लेक्चर में पढ़ने से पहले देखने से पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया हुआ है तो क्योंकि अगर कवर नहीं किया तो देन अगेन यू माइट बी लिटिल बिट कन्फ्यूज अगर तो पढ़ा हुआ है तो आई कैन सी आई कैन बैट के एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू शुड बी एबल टू इवन डिस्कस एंड टेल अदर पीपल टू वट रिक्रूटमेंट इज एंड हाउ दे शुड डू दैट तो लेट्स मूव विल स्टार्ट विद द रिक्रूटिंग गोल्स

The more people will apply, the better for you. And the second, four, the second objective was unqualified, log unquote unko discouraged karna. Not only discouraged, they should know, okay, this is not their cup of tea. Self select out because it will save your time, your resources, your money. Not only your time, resources, money, but the people who are applying because they don't fulfill the requirements. And the less they should apply, the better for you. So, with these thoughts, let's move forward.

वो लोग जो काम कर सकते हैं उनकी तो ह्यूज पॉपुलेशन अवेलेबल है लेकिन वो सारे तो आपके काम के नहीं उसमें से भी वो पोर्शन विच कैन मीट द रिक्वायरमेंट द स्किल्स एल एबिलिटी नॉलेज वट एवर रिक्वायर फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब उसका एक पूल बनता है उसका एक पॉपुलेशन uh, बनती है टोटल उस पॉपुलेशन में भी जरूरी नहीं है कि एवरीबॉडी शुड अप्लाई टू योर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर दैट पर्टिकुलर जॉब उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे जो वट एवर रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आएंगे या नहीं आएंगे अगर आएंगे तो दैट विल फॉर्म दी एप्लीकेंट पूल्स। और फिर उस पूल में से यू विल सिलेक्ट द इंडिविजुअल वो विल परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब सो सोर्सेज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज टेक्निकली देर टू टाइप ऑफ सोर्सेज एंड दे आर इंटरनल सोर्सेज इंटरनल मीन हेयर दर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लोग कम कर रहे हैं दे आर योर इंटरनल सोर्सेज एंड देन अफकोर्स एक्सटर्नल सोर्सेज आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एक एक को डिस्कस करेंगे उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं लेट सी विच ऑप्शन इज बेटर फॉर अस वन वी हैव टू डू दिक्रूटमेंट Let's go to internal sources. When we are talking about internal sources, someone can ask the question: Why do we rehire our people? They are already with you, but they might be doing some other jobs. Now you have a better option for them. Better mean with better skills, better position, better salaries, better benefits, or in the career they might have the better option. So, those already people who are working in your organisation, they, they are also potential candidates for you, and they can be part of your recruitment process. Those internal sources, Promotion is one option. You can promote a person from one state to another state. So, naturally, you have now resources already available with you. So, that is why we call them internal resources. Similarly, job posting, you transfer person, personnel, or people from one आप कोई नजर जाओ आपने देखा होगा बैंक में जाते हैं कि एक जो ऑफिसर है वो किसी दिन कैश पे बैठे होते हैं किसी दिन रजिस्टर पे बैठे होते हैं किसी दिन वो आपके सिग्नेचर टेली कर रहे होते हैं सो इवन यू कैन पोस्टम डिफरेंट लोकेशन सो दैट इज अगेन बिकॉज यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एम्प्लाइज जो लेबर आपकी डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं और इंटरनली आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग कर रहे हैं उसकी दैट इज ऑल्सो योर इंटरनल सोर्स

आपको एक एग्जाम्पल बताई थी वट हैपन देयर कि हम किसी एक क्लिक करते हैं पॉइंट पे लेट सी आई नीड ए सर्टन काइंड ऑफ क्रेन ऑपरेटर या मुझे ऐसे लोग चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जिनके पास ये स्किल्स हैं उनको ये ये चीज आती है तो आपका सिस्टम खुद बुद्ध आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि ये लोग अवेलेबल हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं ये एबिलिटीज हैं ये नॉलेज है ये स्किल्स हैं है, है उनके पास या इवन यू कैन सी कि इफ आई कैन नो वट हाउ मेनी पीपल इन माई आलमेशन देव आर डी दाउंटिंग प्रोफेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेशन डिग्री वट एवर यू कैन सी तो क्योंकि आपका डेटा बेस के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपका वो सिस्टम खुद बुद आपको वो इन्वेंट्री सारी दे देगा कि आपके पास कौन से ऐसे लोग हैं जो ये काम भी जिनके पास ये स्किल भी हैं कि वो अकाउंटिंग का काम भी कर सकते हैं तो यू नेचुरली फ्राम देयर यू कैन पिक ऑफकोर्स यू हैव टू आस्क सम ऑप्शन की वेदर दे आर विलिंग टू वर्क फॉर देट पर्टिकुलर जॉब एन आर तो यह सारी जो चीजें हैं इस तरीके से आप इंटरनल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं बैड डू यू हैडवाटेजेस डिस बाई यूजिंग दिस टाइप ऑफ सोर्सिसमेंट अगर अपने ही लोगों को आपने प्रमोट करना है अगर अपने लोगों को आपने पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह कर देनी है या उनको ट्रांसफर कर देना है एक सेटअप एक से दूसरे सेटअप में या वो इन्वेंट्री में से आपने पिक करके लोगों को एडिशनल दूसरी जहां पे रिक्वायरमेंट है वो देनी है तो इसका फायदा है या नुकसान है तो आई होप विल बी जैदिंग आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे क्या उनके नुकसाना कितने हैं और फायदे क्या हैं लेट सी देर एडवांटेजेस आप बता सकते हैं क्या फायदा उसका इफ यू हैव योर ऑन पीपल If you pick from them and then give them chance for go for higher position. So, let us see what are the advantages. Good environment, public relations achievement, imply employer, they feel comfortable because you are looking after their career path. You are giving them the chance that they should go for the higher position. Good public relations within the organization. Yes, this is one advantage. Unka morale yoga they will be more dedicated now, hopefully. because see, instead of giving this opportunity to a person from outside, they are looking after the interest of the, their own employees. so moral to high hoga. Uske baat hoga. of course, ambitions are good. and most of some time, people have very high ambitions always. and in a way, it is good too. because. ये चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए जिसे कहते हैं तो अम्बिशन हाई रखने चाहिए तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर इंटरनली आप लोगों को हायर करते हैं उनको री अच्छी पोजीशन में भेजते हैं तो इनकरेज करेगा आपके एम्प्लाइज की एंबिशन को उनका मोरल हाई होगा अच्छी रिलेशनशिप होंगी व्हाट एल्स एंड कोर्स इट इज एट द बॉटम लाइन इट विल बी चीपर फॉर यू यू टू गो थ्रू All those advertising selection process and training and etcetera and etcetera. So, of course, that will be another benefit. So, this is another advantage. If you are hiring your internal employee, that will be a kind of cheaper. Cheaper sense means less money will be involved there. Sasta So these are the advantages. Or scale. You already know your candidates. डोंट हैव एन रिस्क ऑफ रॉन्ग हायर वो आगे चल के देखते हैं कि गलत हायरिंग कर लेते हैं अगर उसमें क्या नुकसान होते हैं तो यू आलरेडी नो द कैंडिडेट सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एडवांटेज यू डोंट हैव टू गो फॉर ए सेपरेट प्रोसेस ऑफ कंप्लीट सेटअप ऑफ सोशलाइजेशन बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी और दो पर्सन ऑलरेडी विद इन दर्गनाइजेशन दे नो ईच अदर दे नो हु विद अकाउंट नो हु इज डूलिंग विद मार्केटिंग उनको सारे प्रोसीजर सॉरी फॉर्मेलिटीज का मॉडलिटीज़ का पता है तो ये भी आपके लिए एक टाइम सेविंग है अपॉर्चुनिटी का ना क्योंकि नए लोगों को जितना आप ट्रेन करेंगे जितना सोशलाइज करेंगे यू माइट बी लूजिंग अपॉर्चुनिटीज सो देट इज ऑल्सो वन एडवांटेज ऑफ हैविंग इंटरनल कैंडिडेट same way you don't have to train them now again they already know the setup they already know the system of course if they are going to higher level they might have the basic skill already there with them that is why they are there otherwise you don't have to go for detailed training if like if you have another new person from outside you have to do that so obi your saving time resources money so all those benefits are there what else let's see if it is so much goody-goody things there, why why we always go for external hiring? No, of course there are some disadvantages too. And what are those disadvantages? Have any idea? Let's see. Because if you are just counting on your internal resources, you might lose some excellent people from outside you might be missing that because even i have seen and you might have read those things. with the joining of certain people in your organization, the total setup was all together and within very short time of span of time, they were expanded. they have developed so much good thing for our organization. it can be either way, of course. but still, you always go for the, you are positive, you know, you always think of the positive things. तो वो भी एक मिस कर जाएंगे हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग कोई कैंडिडेट मार्केट में अवेलेबल हैं बट सिंस यू आर यू हैव द काइंड ऑफ पॉलिसी और यू आर इनकरेजिंग यूर ओन एम्प्लॉयज यू आर मिसिंग दैट पर्सन एंड इफ ही आर शी शुड शुड हैव हैव ऑर्गेनाइजेशन इट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ हैजिकल इफेक्ट वैल्यू एडिशन का वो चीज आपने अपॉर्चुनिटी कास्ट मिस की ये इसका डिसएडवांटेज है इन ब्रीडिंग नो न्यू आइडियाज ट इज इन ब्रीडिंग मीन हेयर अगर आपने बायोलॉजी पड़ी हुई है अपने एफ एस सी में तो आपको अंदाजा होगा कि इन ब्रीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है क्योंकि वही लोग बार बार जब आपस में रहेंगे वही काम करेंगे तो कोई नया आइडिया तो नहीं आया इफ यू इन ब्रीड फ्रीक्वेंटली साइंटिफिकली पीपल से ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि रिसेसिव जीन जो होते हैं वो ऑब्वियसली डॉमिनेट हो, जा, हो जाते हैं और वो जो हाइब्रिड विगर का कॉन्सेप्ट है आई डोंट वांट टू गो इन इन डिटेल्स बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी बट जस्ट गिविंग इफ यू हैव टेकन बायोलॉजी योर इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल आपने पढ़ा होगा क्रॉसिंग वगैरह कि अगर बार बार आपस में ही क्रॉस करते जाए तो वो क्या होगा कि जो ऑस्फरिंग होंगे जो आगे रिजल्ट निकलेगा वो थोड़ा सा इन्फेरियर होगा आपने डॉक्टरों से सुना होगा कि कजन मैरिजेज बार बार करने से कुछ डिजीजेज आ जाते हैं बच्चों में अगली नस्ल में बच्चे डल माइंडेड होते हैं उसी कंसेप्ट को यहां भी वही एप्लीकेशन देखी गई है कि इफ यू डू डा इन ब्रीडिंग यू माइट नॉट हैव एनी न्यू आइडिया दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द इंटरनल सोर्सेज फॉर द रिक्रूटमेंट And another disadvantage will be let us see if there is new technology there. If you have some new tools are in the market, now you have to provide specific training, special training to your own employee to upgrade their skills and knowledge. So, this is otherwise, you should have picked the person from market from outside sources which is already trained on these new technologies. So that is also डिसडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्सेज फॉर यूर रिक्रूटमेंट वट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ह्यूज बहुत सारे हैं कुछ को यहां डिस्कस कर देखते हैं एंड देन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में मैं चंद एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा एक्सटर्नल सोर्सेज क्या कहा से और कैंडिडेट आपको मिल सकते हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच आर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर यू पीपल फॉर इंडस्ट्री फॉर ऑर्गेनाइजेशन दे आर देश सोर्स

Similarly, people do ask each other, do we need such and such people with such and such skills, and they can guide, they can refer people to different organizations for the jobs. They are also one source, one important source. And there are employment agencies too, private or public. They also provide you the best sources, one of the good sources for your recruitment process. And this is the era of IT, computer, IT, ki internet, jo hai wo a very acha role. Play kar वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग जिसे कहते हैं सो थ्रू इंटरनेट थ्रू वेब पोस्टिंग ऑफ यू डिफरेंट काइंड ऑफ ओपनिंग्स दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इनमें से कुछ को आगे चंद स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज उनको डिफ्रेंशिएट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इनका फायदा क्या है किस तरह हमने इंटरनल inter, सोर्सेज को उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे लेट्स सी Few of advantages and disadvantages of using external sources for your recruitment. Advantage, new idea. A lot of people, if they are coming from outside, they might bring good ideas for your organization. Having different exposures, have, having different knowledge base, definitely they will bring new ideas. That is one good advantage. सिमिलरली जब हमने लीगल आस्पेक्ट ह्यूमन रिसोर्स के कवर किए थे तो अफॉर्मेटिव एक्शंस जिसे कहा जाता है कि वो वो क्ला वो जो आपकी जो सेक्शन है आपकी सोसाइटी का जो किसी वजह से डिस्क्रिमिनेट पहले होता रहा अब उनको गवर्नमेंट चाहती है कि इनक्रेज किया जाए तो इफ यू विल डू इन ब्रीडिंग तो नेचुरली नॉट गिविंग दैम चांसिस दे शुड ऑल्सो अप लाइफ इफ़ यू गो फॉर आउटसोर्सिंग वो उनको भी चांस मिलेगा कि वो लोग भी आएंगे आगे उसके लिए भी दिस विल बी अनदर एडवांटेज सिमिलरली लाइक इफ यू हैव ए रेपिड ग्रोथ सो यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन साइड सो अनलेस यू विल गो फॉर द आउट सोर्सिंग आउटसाइड सोर्सेज यू कैन ऑट कैच अप द रैपिड ग्रोथ ऑफ यूर ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए भी डेफिनेटली दिस इज द एडवांटेज कि आप आउटसोर्सों बाहर के लोगों को मिलेदर एडवांटेज कि यू कैन गेट पीपल विद अप टू डेट नॉलेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यू डोंट हैव टू प्रोवाइड दम स्पेसिफिक ट्रेनिंग अगेन दे आर आर ट्रेन ड्यू टू यू माइट हैव न्यू टेक्नोलॉजी नाउ सो इनस्टेड ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू योर इंप्लाई एंड टेकिंग टाइम टू Make them at the level where they will be able now to perform. You can easily get a person who is with the same required knowledge, ability, and techniques, which can right away come and start the work. So that is also advantage of your recruitment, doing recruiting from outside sources, outside of your organization. Shake up the organization. What does shake, shake up mean here? कि कुछ लोग वैसे भी आते आपने भी देखे होंगे सोसाइटी के अंदर आपके इर्द गिर्द इट यूज टू बी सेट गेट पीपल विल नॉट मेक ए डिफरेंस नो पीपल विल मेक द डिफरेंस लोग कहते हैं गॉगनाइशन इंपॉर्टेंट है लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि चंद लोगों के आने से किसी एक दो लोग ऐसे भी आते हैं कि जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को शेक कर देते हैं शेक मीन इन ए पॉजिटिव सेंस नई जिद्दतें लाते हैं नए तौर तरीके लाते हैं नई अपॉर्चुनिटी लाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी खास लेवल पर थी उसको उठा के कहां से कहां ले जाते एंड दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज वेरी बिग एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर

भी कोई भी जहां काम करते हैं उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं यू हैव टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द ट्रेड ऑफ हाउ मच यू वांट टू लूज व्हाट इज योर बेसिक प्रायोरिटी व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल पिक कि विच मैथड विच टूल और विच रिसोर्सेज इज गुड फॉर यू like when we are discussing the internal sources we also discuss advantages and disadvantages similarly for external sources we have already discussed the advantages so there are also disadvantages again we have to see what are we up to what is the basic objective of our recruitment process So let's see the disadvantages of our external sources of recruitment. Of course, it will be expensive. You have to go through a long process if you have to give advertisement ad, ads. Yes, it will cost you money, and main thing will be time-consuming. More time will be required to go through all this recruiting process and then selection and then socialization and of course training part so this is one disadvantage big big time disadvantage mistake in hiring hiring mistake was a campaign. you might have picked the wrong person very dangerous not only for your organization of course for that person too ये अगर किसी वजह से आपने एक गलत पर्सन को पिक गलत मीन हेयर मिसमैच है जो सही मैच नहीं क्रिएट कर रहा है क्योंकि अमून देखा गया है जब हम सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे और इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे कि कभी कभी आप सिर्फ उसकी लैंग्वेज की वजह से उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से उसको पिक कर लेते हैं और हियर शी इज नॉट perfect match for your job. So hiring a wrong person is very dangerous. Dangerous in sense, you see, you have gone through a long process of recruitment, selection, and within selection you have a long process of screening, test, interview, and so on. Kitna time laga hoga It depend again, yeah? Resources. मनी द मैन आवर जो जितने लोग इन्वॉल्व थे एग्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट उस सारे प्रोसेस में उनका कितना टाइम लगा फिर आपने उनको हायर किया एक पर्सन को विच वॉज रॉन्ग हायरिंग जिसे कहते हैं मिस्टेक होगी आपसे सिस्टम से उसको आपने ट्रेन किया डेवलप किया सब कुछ हुआ लेकिन दैट वॉज नॉट हिज टी हर हर टी तो क्या हुआ आपका वो सारा प्रोसेस आया चला गया और इस दौरान जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि वो अगर आपके पास एक अच्छा पर्सन और अच्छा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय आ जाता उसने परफॉर्मेंस दे के आपके ऑर्गेनाइजेशन को कहां से मार्केट वैल्यू ले जाता रिसोर्सेज उससे जनरेट हो जाते एक्टिविटीज हो जाती एंड द डेंजरस पार्ट इज नाउ यू माइट हैव बी लूजिंग द एज इन द मार्केट नाउ यू हैव टू गो थ्रू अगेन एंड सेपरेट प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड दैट विल आल्सो बैड रेपिटेशन बिकॉज द मोर टर्न ओवर रेट इफ द टर्न ओवर रेट इज हाई आपकी रेपुटेशन भी खराब है मार्केट में के लोग आते हैं चले जाते हैं छोड़ के तो दिस इज आई आई शुड से ए बिग डिसंटेज ऑफ रिक्रूटिंग द आउटसोर्स एम्प्लॉय टू लेट सी वट आर दर डिसवांटेजेस If you will recruit from outsources, this is going to have a demotivating effect on your own employees. How? Because they are not going to get the opportunity to be promoted. The ki implies keli reduced promotion opportunities might be discouraging to current employees who are already with you. Remember when we were talking about the image of the organization? उसमें हमने एक चीज पोटेंशियल को डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर सिक्सटीन में जो हमने डिस्कस किया था कि आगे बढ़ने के चांसेस कितने हैं वो जो आपके अपने हैं अगर उनको ये पता हो कि हमें चांसेस कम है हमने उसी तरह कंपीट करना है जिस बाहर फ्रेश के लिए है तो दे माइट हैव ए माइड इफेक्ट उनका डी उनका मोरल भी कम हो जाएगा मोटिवेशन फैक्टर भी हो सकता है कम हो जाए तो दिस इज ए डिसडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर External sources. But again, as I said, nothing is perfect. You have to decide based on the objectives and you have to create a balance. position, situation Let us take some examples of external sources and try to understand more about. उटसोर्स रिक्रूटिंग जिसे कहते हैं एक्सटर्नल सर्च में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में एक चीज एडवरटाइजिंग एडवर्टाइजमेंट यूज होती है वो क्या होती है एडवर्टाइजमेंट आई होप क्यू समझते हैं क्या इसके बाद जरा आप आज की अखबार निकाल के देखिए तो सही कि लोगों ने किस तरह ऐड दी हुई है रिक्रूटमेंट के लिए पोजिशन ओपन जॉब्स अवेलेबल इस तरह के टाइटल के साथ आपको बहुत सारी एड अखबारों में मिल जाती है स्पेशली संडे की न्यूज के अंदर तो दे हैव सो मेनी डिफरेंट एड्स मस्ट रीड दैम एंड सी द अप्रोचेज और किस तरह डिफरेंट स्टाइल से वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर आउट सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज यू आर पिकिंग दीज लेट सी यू हैव टू पिकिंग दी एडवर्टाइजिंग टूल तो फिर आपने यहां डिसाइड करना है कि वो एड कहाँ देनी है लोकल न्यूज पेपर में देनी है स्ट्रेट जर्नल में देनी है इंटरनेट पर देनी है कहाँ एनगेन इट डिपेंड दट वेयर आर यूर पोटेंशियल कैंडिडेट बिकॉज एवरी थिंग कास्ट यू

ट हैज टू डू नथिंग विद यो सब्जेक्ट बट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग थोड़ा सा ये आपको ये भी एक्सप्लेन करता जाऊं फर्स्ट ए आई डी ए जिसे मैंने कहता है मॉडल है कम्युनिकेशन में यूज होता है और एडवर्टाइजिंग जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं ए स्टैंड फॉर अटेंशन कि आपकी एड इस किस्म की हो कि एकदम दूसरे की अटेंशन ग्रैप करे ना सिर्फ अटेंशन ग्रैप करें बल्कि नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड जो आता है आई उसमें लोगों का इंटरेस्ट डिवेलप हो और थर्ड वर्ड इज डी एंड डी स्टैंड स्टैंड हेयर फॉर डिजायर ना सिर्फ उस एड को देख के उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो बल्कि उनके अंदर डिजायर पैदा भी हो कि यार मुझे अप्लाई करना चाहिए नॉट ओनली डिजायर नाउ द लास्ट ए स्टैंड फॉर एक्शन एंड व्हाट डस एक्शन मीन हियर कि दे मस्ट अप्लाई तो आप जो भी एड बनाए जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट भी करें इस किस्म की हो वो इस आइडा मॉडल को फुलफिल करती हो एंड देन आपने यह भी देखना है कि किसके लिए एड बना रहे हैं आपके जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो किस जगह है लोकल मार्केट में है इंटरनेशनल है कंट्री लेवल पे है बिकॉज फॉर ईच ऑफ यूर डिसीजन इट इज गोइंग टू इफेक्ट यूर रिक्रूटमेंट प्रोसेस नॉट ओनली द प्रोसेस बट इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर कॉस्ट डिसीजन तो भी आपने उसी बेस पे करने हैं कि आप चाहते क्या उसके मुताबिक फिर आप अपनी ऐड चलाएंगे जैसे मैंने आपसे कहा डिपेंड ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव और अगर ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हैं कि आपकी स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए हाई लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन कोई अच्छी पोस्ट के लिए बंदा चाहिए आपको आर द सप्लाई इन द मार्केट इज लेस फॉर देट पर्टिकुलर स्किल्स तो देन यू हैव टू यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो एड्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर एंड वाइडर हो ज्यादा एरिया को कवर करे यू डोट वांट टू नैरो डाउन योर सर्च या टू मेक इट वाइड एंड वाइडर, सो दैट यू हैव द मैक्सिम चांसेस के बेटर पीपल शुड अप्लाई मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर योर जॉब इसी तरह जब एड एडवर्टाइजमेंट आड़, आड़ की बात करते हैं हम एंड अगेन एडवर्टाइजमेंट क्या है पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है ये क्या पे करते हो कि ये मेरी जो एड है ये अखबार में आनी चाहिए टीवी में आनी चाहिए इंटरनेट पे आने चाहिए और इसी तरह कुछ एड्स आती हैं जिनको हम ब्लाइंड बॉक्स एड्स कहते हैं अमून आपने देखा हो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जरूर देखिए अखबार लीजिए इस संडे की लास्ट संडे की ले लें और देखिए कि उसके अंदर किस किस्म की एड्स आती हैं जॉब के वाले देन ट्राई टू ग्रैप द आइडिया ट इज वर्किंग दो के जैसे मैंने आपसे कहा पाकिस्तान में हमारे यहां बहुत सारे जॉबलेस लोग भी मिलते हैं लोग सच में होते हैं कि अच्छी जॉब मिले एंड स्टिल आग्नाइशन हैजू डू लट ऑफ एक्टिविटीज टू अट्रैक्ट पीपल टू मोटिवेट पीपल फॉर द रिक्रूटमेंट तो इसी दौरान आपको कुछ ऐसी भी एड नजर आएंगे कि जिसमें लिखा होता है कि एक प्रोडक्शन आधारित प्रोडक्शन सेटअप है उसके लिए चीफ एग्जीकटिव चाहिए एक इंजीनियरिंग सेटअप है जिसके लिए हमें ये मैकेनिक चाहिए और उसके नीचे पोस्ट बॉक्स नंबर या इस तरह की कुछ रेफरेंस दिया होता है जिसमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये आर्गेनाइशन कौन है कौन सी है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह एड है लॉजिकल क्वेश्चन मिलकर वाई डू आर्ग्नाइशन डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स वाई दे नीड

तो फिर सिफारिशों की और इन्फ्लुएंस करने की भरमार शुरू होती तो अग्नेशन वॉन्ट टू तो बी एट द लो प्रोफाइल दे वॉन्ट टू क्रिएट ए हाइप इन द मार्केट सो दैट एवरीबॉडी शुड ट्राई एंड कम एंड अप्रोच डेम फिर ये नहीं नहीं इसको रख लें इसको रख लें ये तो दिस इज नॉर्मल देखते हैं होता है हमारे यहां हर जगह होता है तो एक तो ये रीजन है कि अग्नेशन वॉन्ट टू बी एट लो प्रोफाइल दे वॉन्ट टू यू डोंट वॉन्ट टू क्रिएट हाइप इन द मार्केट स्पेशलीफ इट इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन देन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिनकी रेपुटेशन खराब होती है बैड रेपुटेशन जिसे इमेज जैसे हमने डिस्कस किया था कि इमेज कैसाइजेशन का बैड रेपन नेम तो चार नो बॉडी दिया उस चीज को अवर हम कम करने के लिए फिर वो ब्लाइंड बॉक्स एड दे दे देते हैं ताकि कुछ लोग तो अप्लाई करें शायद उनमें से किसी के साथ फिर नेगोशिएशन के बाद हायरिंग प्रोसेस हो जाए एंड सम टाइम इट इज जस्ट इट इज नॉट रियल एज पीपल जस्ट वांट टू डू द मार्केट टेस्टिंग वो देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या पोजिशन व्हाट इज द ट्रेंड उसके लिए भी फिर ब्लाइंड एड होती है जिसके बाद उसके रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलता जस्ट दे वॉन्ट टू सी दी मार्केट टेस्टिंग जिसे कहते हैं वो मार्केट टेस्टिंग के लिए इस किस्म की एड भी यूज करते हैं सो एडवर्टाइजिंग इज वन अफकोर्स जिसका मैंने आपसे कहा था कि सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स में से आता है जो हम रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली देर सर्टर एजेंसीज इन्वॉल्व फॉर रिक्रूटमेंट वो आपको हेल्प करती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और वो एजेंसीज कैन बी पब्लिक सेक्टर में आ सकती हैं या प्राइवेट भी हो सकती हैं उसके अलावा कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं जो ये एक्टिविटीज करती हैं पब्लिक सेक्टर की जो होती है इस पर ऑफकोर्स गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वेरी नॉमिनल फी चार्ज करते हैं अमूमन जो है वो लो लेवल मैनेजमेंट तक वो लोग हायरिंग में आपको हेल्प करते हैं बट प्राइवेट जो फर्म्स होती है देस गोर द बेटर पोजिशन एंड चार्ज यू गुड मॉर्निंग नॉट ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन बट फ्रॉम पोटेंशियल कैंडिडेट है उनसे भी पैसे लेती है शेयर लेती है तो वो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उतना काम जो रिक्रूटमेंट वाला वो सारा वो करके देती है बजाय शुड भी इन्वाल्व डायरेक्टली विद दो इवन दम टाइम दो फर्म दो

ड हंटर हाँ, कहते हैं हेड हंटर टॉप पोजीशन, सीईओ हैं चेयरमैन हैं, उनके लिए आपको पिक करती है राइट right पर्सन जिसका मार्केट में ट्रैक अच्छा होता है दे गो एगोशियट नगोशियट विद हिम ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें स्पेशलाइज्ड स्किल जो लोग होते हैं सीनियर मैनेजर्स होते हैं हार्ड टू फिल टेक्निकल पोजिशन जो होती है उसके लिए आपके लिए वो जो कंसल्टेंट फॉर्म वो अपना पार्ट प्ले करते हैं चार्ज

And most of the universities or institutions, they have their placement centers. Especially the institution which have the business administration department with them. Or up to, वैसे requirement that every university, institution placement center on It is, of course, market may compete you need these type of things. The placement center, what they, they will do basically they liaison with the industry organisations and whenever there are openings they will also get the information they will post it and they will also send the potential candidate which are matching the requirement for their recruitment process so universities ke education institutions schools and colleges can placement centre be role play kariyapi and they are also good source of क्रूटमेंट कैंडिडेट्स वहां से आपको अच्छे मिल जाते हैं उसके अलावा इंटर्नशिप इज आपने भी करनी होगी कहीं ना किसी इदारे के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है ग्रेजुएट्स को मास्टर लेवल के बैचलर लेवल के लोगों को जब वो चंद सेमेस्टर तक कुछ पढ़ लेते हैं इस स्टेज पे आ जाते, आ जाते हैं कि अब नाउ दे आर एबल टू डिलीवर समथिंग तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको इंटर्नशिप कराई जाए इंटर्नशिप इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सम रियल प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोगों को हम स्टूडेंट को ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच बिकॉज नाउ दैट पर्सन इज गोइंग देयर टू वर्क डू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इज अर हर डिग्री प्रोग्राम उसी दौरान दोनों को एक चांस मिल जाता है आर्गनाइजेशन को भी और उस पर्सन को भी स्टूडेंट थूर, को भी दे शुड लुक एट ईच अदर एंड आर्गनाइजन विल सी हाउ गुड ही और शी इज इन परफॉर्मिंग द जॉब और एक्टिविटीज सिमिलरली वो जो स्टूडेंट है वो जो कैंडिडेट जिसने इंटर्नशिप पे गया हुआ है ही शी विल ऑल्सो गेट एन आइडिया वट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट और कल्चर और अपॉर्चुनिटीज आर देयर वेन दे विल बी ग्रेजुएटिंग फ्राम स्कूल होता है एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे कॉन्टेक्ट होता है तो वो भी एक सोर्स एक्सटर्नल सोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट का मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे गो फॉर द जॉब फेयर अमूमन जब समर वेकेशन आने वाली होती है जब उनका मेन जो स्लॉट है वो मार्केट में ग्रेजुएट होकर आने वाली होती हैं दे डू द जॉब फेयर इज जॉब फेयर है वो इंस्टीट्यूशन वो यूनिवर्सिटी वो स्कूल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भेजते हैं थ्रू देयर प्लेसमेंट सेंटर इफ दे हैव डायरेक्टली फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट्स कि हमारी एक क्लास ग्रेजुएट हो रही है फलाम तारीख को फलामाद में हम उसके लिए एक जॉब फेयर लगाना चाहते हैं मुख्तलि

उनकी पब्लिसिटी भी हो रही होती है उनकी मशहूरी भी हो रही होती है द सेम टाइम दे आर गेटिंग द चासेज अपॉर्चुनिटी के वो देखें कि यहां के स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज क्या है स्किल्स क्या है उनमें से कोई अच्छे उनको पोटेंशियल एम्प्लॉज मिल सकते हैं सिमिलरली फॉर द स्टूडेंट इट इज अ चांस टू नो दैट हाउ मेनी ओपनिंग हाउ मेनी ऑप्शन दे हैव इन द मार्केट बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट देयर कैरियर और इसी दौरान वो अपने सीवीज अपने रेज्यूमर्स वगैरह भी उन पोटेंशियल ऑर्गेनाइज के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके हवाले कर देते हैं ताकि उनके पास ऑलरेडी वो एक लिंक डेवलप हो जाता है तो जॉब फेयर इज एन अदर वे ऑर्गेनाइजेशन के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर दे डू एंड दिस इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट सोर्स टू रिक्रूट पीपल उसके अलावा अच्छी यूनिवर्सिटीज अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पब्लिश ए बुकलेट एट द एंड ऑफ इच एकेडमिक ईयर जो उनके रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं वो उनकी एक पूरा बुकलेट बनाते हैं जिसमें एक वन पेज का हाफ पेज का उनका रेज्यूम टाइप चीजें भी होती है उनकी तस्वीर होती है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं उनके स्पेशलाइज एरियाज होते हैं एंड देन दे मेल दोज बुकलेट्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे शुड है अबाउट ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन

वो लेबर यूनियन जो है उनको लेबर प्रोवाइड करती है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं एसोसिएशन हैं मेंबरशिप रोस्टर्स होते हैं उसके अलावा ट्रेड जो पब्लिकेशन एड्स आती हैं दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड नाउ इट इज साइबर रिक्रूटिंग इज गेनिंग पॉपुलरिटी कंप्यूटर का दौर है हर कोई यूज करता है तो आप देखेंगे कि आप कोई भी साइट खोलें कहीं सर्फिंग रहे हैं तो आपको जॉब्स का एक मिलता है पालन वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग भी होती है देखा गया कि बाहर की दुनिया में मोर देन 80 परसेंट कंपनी जो है वो यूज करती है इंटरनेट को फॉर रिक्रूटमेंट उसमें उस इवन आपका ऑनलाइन आप अपने रिज्यूमे जमा करा सकते हैं ऑनलाइन आपके इंटरव्यू भी होते हैं कमर्शल जॉब पोस्टिंग सर्विस अवेलेबल है और हर किस्म की जॉब्स के लिए आप वेब बेस आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकती है एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं टॉप हंड्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं कुछ साइट्स का मैं रेफरेंस बताता हूं आपको या आपको अपने नोट्स आप, में मिलेगा इवन आप यू गो टू याहू अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में जाए ओपनिंग की स्पेसिफिक साइट में रखी होती है तो साइबर रिक्रूटिंग इज ऑल्सो इन द मार्केट एंड प्लेइंग वेरी वाइट रोल एंड इज बिग सोर्स नाउ इट इज फॉर योर external source as external source for your recruitment. Now, researcher shows no clear difference in employment employees recruited from different sources. We are talking about external sources. Ki baat kar rahe hai. Kis source take is Again, as I told you, it is straight trade-off. So, it is suggested that we should use the multiple sources because the more option you can go for, the more candidates, the better candidates you will get. बट अगेन इट शुड बी मैनेजेबल उससे ना सिर्फ आपके पास डायवर्सिफाई किस्म के कैंडिडेट्स आएंगे बल्कि आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप उसमें से बेस्ट पिक करें बेस्ट मैच क्रिएट करें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सो बट अगेन रिमेंबर वी कैन से दिस दिस सोर्स इज द बेस्ट एंड दिस हैज द प्रॉब्लम ये टाइप ऑफ रिसोर्स इवन इट इज इंटरनल एक्सटर्नल एंड इवन विद इन एक्सटर्नल यू माइट हैसेज they have pros and cons. So what we have to do that, if we can go for the multiple sources, add bhi de de, web pe bhi, de de, university se bhi information mangaale, reference ke zariye le, le to usse kya hoga? Again, you will be getting the benefit. So, and this will generate the larger pool of your potential candidate and make your selection process. Probability will be that you will get the best person. बेटर पर्सन यू कैन सी समाइम इफ यू डू इफ यू पिक ओनली फ्यू सोर्सेज आर यूज अ फ्यू टेक्निकूट डेट माइट डेट माइट क्रिएट ए ग्लास सीनिंग इफेक्ट एंड यू रिमेंबर वॉट इज ग्लास सीनिंग इफेक्ट के खास चाहिए आगे लोग नहीं जा सकते वो किस वजह से हो सकता है दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग नेगेटिव आसपे कि आप बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड कर रहे हैं कि लोगों को बता दिए चंद साथियों को बता दिए यार कि हमें लोग चाहिए कुछ तो नेचुरली लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट अवेलेबल माइट बी इन बेटर स्किल्स बेटर अपॉर्चुनिटी बेटर नॉलेज दे आर गेटिंग दोज इंफॉर्मेशन सो वी विल बी लूजिंग दैम देर गोइंग टू गेट द चांस के वो भी उस अच्छी पोजिशन के लिए आ सके इसी तरह इंप्लाइज रेफरल्स किसी के रेफरेंस से आप किसी से कह दिया यार कोई अच्छा बंदा हो तो बताइए तो लॉजिकली ही और शी विल बी लुकिंग अराउंड हर सेल्फ ये भी एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट को क्रिएट कराता है सिमिलरली इफ यू आर पोस्टिंग योर जॉब इंफॉर्मेशन ओनली ऑन इनफॉर्मल नेटवर्क ऐसे ऐसे किसी न्यूज़पेपर में दे दिया जिसको ज्यादा लोग पढ़ते ही नहीं ऐसे किसी नेटवर्क पे दे दिया जिसको लोग शायद रेडियो पे आपने दे दिया सुनते ही ना हो वो लोग जिनके लिए आपने वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं सो दैट इज आल्सो क्रिएट वन बेसिस फॉर योर ग्लास सीलिंग इफेक्ट और सम टाइम रिक्रूटिंग वेन यूज दैट क्रिएट डिसकंफर्ट आप रिक्रूटमेंट वहां कराते हैं कि किसी होटल का कमरा का एड्रेस दे दिया पीपल डोंट फील कंफर्टेबल स्पेशली द फीमेल तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे सो दैट इज ऑल्सो वन आउस्पेक्ट अब रिक्रूटमेंट के कुछ आल्टरनेटिव भी होते हैं नॉट इन सेंसी यू शुड गो फॉर रिक्रूटमेंट परमानेंट हायरिंग की जरूरत नहीं है यू कैन हैव द दल्टरनेटिव लाइक ओवर टाइम लोगों के लोग भी करते हैं उससे भी अपना वो उन्होंने वो जॉब क्रिएट जो की होती है उसमें वो पूरा कर लेते हैं समटाइम दे कैन गो फॉर टेम्परेरी वर्कर्स आर पार्ट टाइम वर्कर्स इवन

कर रहे हैं प्रोसेस जो कर रहे हैं उसकी कुछ कैटरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है उसके लिए आसानियां हो वो क्या हो सकते हैं रिक्रूटर शुड मेक इट इजी टू तो अप्लाई ऐसा सिस्टम बनाए कि अगलों के लिए कन्वीनियंट हो अप्लाई कर सके मेक ए गुड इंप्रेशन मेक एन अट्रैक्टिव ऑफर ताकि लोग ज्याद ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील करें और अप्लाई करें उस पोजिशन के लिए नॉट ओनली दिस But also provide the feedback or information. If they want some extra information, your organization should be providing help to them. And if in case you have to reject them, it should be in a nice way. Thank you very much. You have shown your interest, but due to such and such reason, you have to consider that is also going to create a good name for your organization. अब आपने ये भी देखना है कि आपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया उसको एवेलुएट कैसे करते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है एक तो यह है कि आप कि क्वांटिटी कितने लोगों ने अप्लाई किया आपके लिए एंड वट इज द क्वालिटी ऑफ दोज एप्लीकेंट वेरी इनिशियल और इजी एवेलुएशन जो आप यूज कर सकते हैं वो ये है कि क्वांटिटी और क्वालिटी देख लें कि जो एप्लीकेशन आई है कैसी हैं तो दैट विल शो कि हाउ गुड योर हाउ इफेक्टिव योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस वॉज तो उसके अलावा कुछ टेक्निकल तरीके भी हैं रील रेशो भी देखते हैं वो क्या है आज देखें कि आज आपने रिक्रूटमेंट किया तो क्या रिजल्ट आया कल जब करेंगे तो उस कल मीन नेक्स्ट टाइम के लिए और फिर उनको कंपेयर करें कि क्या ये बेटर की तरफ जा रही है या डिक्रीज की तरफ जा रही है दैट इज ऑल्सो वन इंडिकेटर एंड सिमिलरली सिलेक्शन रेशो जैसे सिलेक्शन रेट कहते हैं देट कैन ऑल्सो भी वन इंडिकेटर विचव्यूएट योर सिलेक्शन सॉरी रिक्रूटमेंट पास आई थिंक लेट स्टॉप इट हेयर एंड समराइज क्विकली आज हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को कवर किया इसमें इंटरनल सोर्सेज भी थे और यस एक्सटर्नल सोर्स को भी डिस्कस किया एंड देन वी ऑल्सो कवर दल्टरनेटिव ऑफ रिक्रूटमेंट उसके बाद And pay recruitment evaluation. Now we will be moving to next step. And what will be those? For next time, we have to now, we have received some applicants, applications. Now we have to screen them and start our selection process. So now I believe that you must have an idea about, it should be clear now to you what this recruitment is. And inshallah, next time we will discuss about screening and selection process and I hope you will go through those chapter before coming for that lecture. Thank you very much and Assalamualaikum.